गलत डिसीजन ले लिया, मेरी पीठ टूट गई। सफाई अभियान शुरू करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी भी मैं उठूं जस्ट सोके, और ये देखो मैं क्या देख रही हूँ। यहाँ पे मम्मी बना रहे हैं परांठे, वो भी आलू के। पापा तो अभी मैंने पानी गर्म किया अपने लिए, पानी पी लेती हूँ पहले, उसके बाद। और बाहर ना मौसम खराब है, इसलिए मैं बोलूँ मम्मी ने मेरे को उठाया क्यों नहीं। देखो तो कुछ ऐसे है आज के मौसम विभाग के हालचाल। जस्ट लुक एट द व्यू, थोड़ा सा मौसम खराब है क्योंकि बारिश हुई थी, और बारी है परांठे खाने की। यहाँ पापा है, हाँ यहाँ मम्मा है, जो परांठे बना रहे हैं, एंड मैं बना रही हूँ चाय हम सबके लिए। हाय, फाइनली थोड़ी सी हमारी आग जल चुकी है क्योंकि बरसात की लकड़ियाँ होती है तो गीली होती है, इसलिए आग नहीं जल पा रही है। और मम्मी ने बना दिए गर्मा गर्म आलू के परांठे। मैंने बोला था मम्मी आलू के परांठे खाने हैं, देखा मम्मी ने आलू के परांठे बना दिए। यो, चाय के साथ टेस्ट करते हैं पहले मम्मी के हाथ का स्वाद, बहुत टेस्टी होता है यार। सो ब्रेकफास्ट तो मैंने कर ली, अब मुझे इतना बड़ा टास्क मिला है करने के लिए, मुझे मिली है आग जलाने के लिए, और थोड़ी सी चपातियाँ बनेगी। परांठा तो खा ली, बड़ा मज़ा आ गया परांठे खा के और गपशप लगा के सुबह सुबह। और मेरे बाल तो ठीक ही है ऑलमोस्ट, बस अब चपाती बनाऊँगी एंड देन सबसे पहले तो आग जल जाए मुझसे। सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए ज़िंदगी में ना आग जलाना, मुझे सच में, मैं कोई प्रो नहीं हूँ यार आग जलाने में, सच में यार। आज दिया है मेरी मम्मी ने मुझे काम कि तुझे ये पूरा का पूरा गंदा सा किचन साफ करना है। गंदा मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये जो वाइट वाइट कॉर्नर्स है कितने गंदे हो चुके हैं। ये यहाँ पे चिमनी है और इसलिए धुआं लगता है घर पे, और ये जो कुछ कुछ हमारे कबर्ड्स है वो भी ख़राब हो चुके हैं धुएं से। यहाँ आमा बैठी है, आमा गुड मॉर्निंग। तो मैंने चपाती बना दी, डन। मैंने चूल्हे पे नहीं बनाई, गैस पे बनाई क्योंकि आग मुझसे जली नहीं रही थी। और तो चलो अपने काम पे लगते हैं और सफाई अभियान शुरू करते हैं। नाउ आई एम गोना बी फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ। सफाई के लिए भी हमारे को रेडी होना पड़ता है, और देखती हूँ कि कितना मैं सफाई कर सकती हूँ और कितना क्लीन कर सकती हूँ। यहाँ की जो टाइल्स है उसमें मैल जम चुका है, ठीक है, और उसको भी क्लीन करना है। देखो दिख रहा है इतना गंदा है, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। मम्मी सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, या तो बाहर का कर सकते हैं या तो अंदर का कर सकते हैं। एक इंसान पूरा दोनों काम नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा काम होता है गाँव में। मैंने शुरुआत करी, पूरा का पूरा किचन मैंने खाली कर दिया है और कुछ भी नहीं छोड़ा है नीचे, बस थोड़ी सी लकड़ियाँ जल रही है, वो भी जल नहीं रही है, बुझी हुई है, मेरी तरह बुझी बुझी हो गई है। और अलमारी के हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाहर से तो है ही है, अंदर भी कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखा गया है, बट इसको हम करेंगे ज़रूर। यहाँ का जितना भी ये वाला पोर्शन है इसको क्लीन करूँगी सबसे पहले चकाचक, और अलमारी के एक एक पोर्शन को हम क्लीन करते जाएंगे, मतलब खाली करते जाएंगे और वैसे ही सामान को रखते जाएंगे। तो मुझे चढ़ना होगा इसके लिए ऊपर, और जिस तरीके से मैं आराम से गिलासेस को अच्छे से क्लीन कर सकूं और अच्छे से रख सकूं। फेस्टिवल भी आने वाला है और हमारे गांव में शादी भी आने वाली है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो मुझे अपने घर को मेकओवर देना ही देना था, और मैंने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर करी है। शुरुआत मैंने किचन से ही की है क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, जितनी बार भी मैं गाँव आऊँगी उतनी बार मुझे सफाई करनी पड़ेगी। ये पापा ने भी मेरी हेल्प करी क्योंकि ऊपर से सामान उतारने में बहुत मुश्किल हो रही थी, और ये कांच के गिलास थे जो टूट सकते थे, और इसको फटाफट से मैंने धोया इन सबको, और उसके बाद मैंने सूखने के लिए रख दिया क्योंकि इनको टूटने का बहुत ज़्यादा खतरा था और मैं इसी से ही डर रही थी। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया ये वाला काम शुरू करके, क्योंकि इसमें तो सच में मेरी बैंड बजने वाली है, मेरी पीठ टूट गई इतने सारे गिलास धो के। बट चलो अब जब शुरू किया है तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। यस यस आई नो, आप सोच रहे होंगे कि गिलास ही तो धोए हैं, पर जो हमारी सिंक है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है और मेरी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी इन द सेंस कि मैं 5'8" हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा दूर पड़ रही थी सिंक, इसलिए मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। और ये जो वाइट कलर का बॉर्डर है इसको साफ़ करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और फिर बाद में मम्मी ने भी मेरी हेल्प करी गिलास रखने में। ऐसा होता है कि मम्मा को नहीं लगता है टाइम, अभी मैं कर रही थी तो मम्मा मेरे साथ पूरा टाइम खड़े ही थे। जब मम्मा शिमला में भी रहते थे तब भी मुझे याद है कि मम्मी सारा दिन भर बस काम करते रहते थे, क्योंकि गांव हो या शहर हो हर जगह बहुत ज़्यादा काम होता है,
तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ गांव की औरतें बहुत ज़्यादा काम करती है, नहीं शहर की औरतें बहुत आराम करती है। दोनों की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और सब अपनी अपनी लाइफ में अपना अपना स्ट्रगल ज़रूर करते हैं। मेरी तो बैड बजी पड़ी है और अलमारियों से इतनी गंदी वो उमस की स्मेल नहीं होती, वैसी स्मेल आ रही है और आई कांट टेल यू, मतलब मेरी तो हाल खराब हो चुकी है। अभी सिर्फ अपर फ्लोर वाली अलमारी ठीक हुई है, अब नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर वाली भी है। सबसे पहले पेट पूजा कर लेते हैं, दैट्स देन व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो ऑलमोस्ट मेरा काम खत्म हो ही चुका है और मम्मी तो यहाँ पे रेस्ट पे है। मम्मी बोलते हैं मैं भी नहीं जाऊँगी परले वाले कमरे में रेस्ट करने के लिए। मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस अब मुझे रेस्ट करना है थोड़ी सी देर। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अभी मैं फ्रेश हो लेती हूँ, काफ़ी थिंग्स है मुझे डन करने के लिए और मैं अपना रेस्ट कर लेती हूँ। ओके, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। आज ही शायद हम शिमला को चल जाएंगे, आज ही चल जाएंगे मम्मी, बोलो। मम्मी सो रहे हैं अभी क्योंकि मम्मी की भी बैंड बज चुकी है और सारी की सारी अलमीराज बहुत ज़्यादा गंदी थी और मतलब एक दिन का काम नहीं है ये पूरे के पूरे। अभी भी मैंने मतलब पोछा लगाया है पर वो सूखा नहीं है अभी। अब देख सकते हो मेरी बैंड बची है, तो चलो अभी टेक अ ब्रेक एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन। मम्मी बोल रही है कि आपके जो भी आपने रक्षाबंधन में बांधे थे वो खोल लें हैं और ये भी वो करनी है, मक्की भी वो करेंगे भूननी है, उसको रख जाएंगे यहाँ चूल्हे पर। उठी हूँ मैं और बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, हमें निकलना है शिमला। सारे का सारा सामान पैक कर लेती हूँ और यहाँ पे पानी की बोतल तो मेरी साथ ही रहती है हमेशा। तो अब बारी है शिमला को प्रस्थान करने की और हम लोग रेडी हो चुके हैं। मम्मी, ओ मम्मी, ठीक है फिर? ठीक है बाबा, आऊँगी मैं अगले हफ्ते। ठीक है, हाँ तो आऊँगी। सामान भी मंगवाया मैंने ना ऑनलाइन, अरे मंगवाया कुछ घर के लिए, वो भी मंगवाया 1200 रुपए का। पापा तो भाग गए, मैंने भी भागना है। कितना सुंदर मौसम है और अपनी करुणा की कृपा की वर्षा करता है, आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था गांव से शिमला जाने का, पर क्या करूं, जाना था क्योंकि काम था। मैं अपने घर को पूरा अच्छे से मेकओवर देना चाहती हूं और नेक्स्ट हफ्ते मैं ज़रूर घर आऊंगी और फिर अच्छे से अपने घर को मेकओवर करूंगी। और पापा कुछ ऐसे गाने बजा रखते हैं गाड़ी में, बहुत मज़ा आता है पापा के साथ ट्रैवलिंग करने में। टाइम हो रहा है 11 o'clock और अब आ रहे हैं हम, मैं और पापा। बर्थडे पार्टी में बुलाया था आंटी ने और मैंने घर जाके जैकेट पहन ली थी क्योंकि शिमला में ठंड हो चुकी है। और खाना बहुत ज़्यादा यमी था और इतने सारे लोग थे वहाँ पे, जगह भी नहीं थी बैठने के लिए, बहुत सारे लोग थे। और छोटे से मुन्नू का बर्थडे था तो अभी घर पहुंच रही थी सबसे पहले तो। और आंटी ने भैया भाभी के लिए भी दिया है खाना, बहुत मतलब सीरियसली में ऐसे लोग जो आपकी कदर करे और इतना प्यार दे वो मतलब हमारे अपने नहीं है, शिमला में मिले हैं पर फिर भी वो हमारा इतना करते हैं, अच्छा लगता है यार कोई बिना एक्सपेक्टेशंस के आपके लिए इतना करे। तो अभी सुनसान रोड है, कोई भी नहीं है, बस पीछे पापा है और आगे आगे मैं चली गई हूँ। तो अभी पहुँच लेती हूँ मैं, नहीं तो मेरा फ़ोन भी हिल रहा है। अब थोड़ी लाइट आ गई तो चलो अभी चलते हैं, बार बार मैं ज्ञान देने लग जाती हूँ सबको। क्या करें, शिमला से कहाँ पहुँच जाता है ना इंसान एकदम से। मेरे हाथ में दर्द हो गई, इतना सारा खाना दिया है आंटी ने यार, दो लोगों का नहीं है चार लोगों का ही, इतना खाना दिया आंटी ने, धन्य हो सच में। यहाँ देखो कितना खूबसूरत लग रहा है शिमला और सुनसान रोड, कोई भी नहीं है, इतनी रात को कोई भी नहीं होता। अब जाके मैं और पापा पहुँचे हैं रूम और आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं मैं मुँह से क्या क्या बोल जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मुझे व्लॉग भी एडिट करना है। ओके देन बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में मेरी वीडियो को भी लाइक करें। ओके देन बाय।